इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी जब आप किसी से कुछ लेते नहीं तो इतना पैसा कहां से आता है? अरे भाई 700 एकड़ जमीन है और दिन रात लगे रहते हैं, हम खुद भी खेती बाड़ी करते हैं और नई नई टेक्निक से, क्या आप मानोगे कि एक एकड़ में 13 तरह की फसल हमने 6 महीने में ले ली, क्या आप यकीन करोगे? नहीं करोगे तो आ जाओ, हम आपको दिखा देते हैं। सो किसानों को दिखाते रहते हैं जो वहां आते हैं, तो उससे जो भी आमदन आई वो सारी की सारी ये खर्चा नहीं है, ये परमानेंट टेंट बनाया गया, आप देख ली कितने टुकड़े हैं इसमें, कपड़ा तरह तरह का लेके इसको रंग बिरंगा बना दिया, आपके लिए डेकोरेशन है और हमारी तरफ से कपड़े का बचाव है। अरे ये जो लाठियां सी गड़ी हुई हैं आप ये भी देख लो, ये भी ऐसे ही पेड़ कहीं से लाए गए और वो जो लगा कि इनको जगह से उखड़ा गया तो ये इस काम में आ गए। रही बात गाड़ियों की, तो हमारी कुछ गाड़ियां आती हैं वो भी हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, मांग के नहीं। बाकी गाड़ियां साध संगत की होती है, कोई राजस्थान के सेवादार हैं, कोई हरियाणा के सेवादार हैं, कोई पंजाब, कोई दिल्ली, कोई हिमाचल। तो ये जो आपके पंखा कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, बाद में लंगर भोजन खिलाएंगे, आसपास इंतजाम कर रहे हैं, आपको लेके आ रहे हैं गाड़ियों पे छोड़ के आ रहे हैं, तो ये सब उनका ही इंतजाम अपना अलग तरह का होता है। तो ये सब इस तरह से ये सारे खर्चे चलते हैं जी।